सो नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द चैप्टर टेस्ट. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मोर देन इट्स ब्रेथ. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. तो सबसे पहले हम ब्रेथ को एक्स ले लेते हैं. लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर्स इन लेंथ. दैट मींस लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर्स लॉन्ग. एंड तब लेंथ जो है वो हो जाएगा 12 मीटर मोर. दैट मींस एक्स प्लस 12. अब यहाँ पे इसके बाद बोला है दैट द एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पेरीमीटर. एरिया जो है एरिया ऑफ द लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 4 टाइम्स द पेरीमीटर व्हिच इज 2 इनटू a प्लस b. पेरीमीटर होता है 2 इनटू a प्लस b. तो इसमें हम जस्ट बैठा देंगे तो x प्लस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 2. अब 4 इंटू 2 को हम सीधा 8 कर देते हैं यहाँ पे. तो 8 और फिर उस पर ब्रैकेट में x प्लस 12 प्लस एक्स. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 12 हो जाएगा. तो 16x प्लस 8 इंटू 12 दैट इज 96. तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ चैप्टर टेस्ट. द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस दैन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. तो क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. शॉर्टेस्ट साइड जो है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है. राइट एंगल ट्रायंगल में हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में बस इतना फिक्स्ड होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड. बाकी शॉर्टेस्ट साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो लेट्स अज्यूम कि द बेस इज द शॉर्टेस्ट साइड और हम सपोज इसको ले लेते हैं x मीटर्स इन लेंथ. उसके बाद यहां बोला है कि हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. मतलब कि हाइपोटेन्यूज इज 1 मीटर लेस, मतलब 1 मीटर कम है ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड से. नाउ व्हाट इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड? ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड हो जाएगा 2 इंटू एक्स. तो ये हो जाएगा 2x और इससे 1 कम, मतलब 2x माइनस 1. 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1. उसके बाद मीटर्स. इफ द थर्ड साइड इज 1 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड. अब जो थर्ड साइड बचा हुआ है परपेंडिकुलर दैट इज 1 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड दैट इज 6 प्लस 1. फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. अब क्या करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है. तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं बट लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो इसलिए 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. फिर इस इक्वेशन को पूरा एक्सपैंड करके सब टर्म्स को कलेक्ट करके सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक का फॉर्म में ला करके उसके बाद सॉल्व करो. लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर मेरे चैप्टर टेस्ट में 23. द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर. अगेन दिस सेम जैसे एरोप्लेन वाला सब था वैसे लॉजिक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम. द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर. इट कैन गो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 2 hours 45 minutes. स्टिल वाटर में बोट का स्पीड का मतलब है कि बोट का खुद का स्पीड कितना है. द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर. तो वो जो 11 किलोमीटर पर आवर है उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम भी उतना ही डिस्टेंस ये जा सकता है 2 hours 45 minutes. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. सपोज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर. सपोज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम का स्पीड इस केस में मांग रहा है. स्ट्रीम का स्पीड दैट मीन्स कि स्ट्रीम जब डाउनस्ट्रीम मूव कर रहा है या अपस्ट्रीम मूव कर रहा है तो जो पानी है स्ट्रीम में उसका क्या स्पीड है. अब ये जो 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है लेट से अपस्ट्रीम पहले कंसिडर करते हैं. तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है. अपस्ट्रीम का मतलब है कि जो स्ट्रीम या रिवर का जो वाटर है दैट इज गोइंग अगेंस्ट द बोट. तो उसमें फिर क्या होगा कि बोट के स्पीड से हमको स्ट्रीम के स्पीड को माइनस करना पड़ेगा. तो
So that will be 11 minus x, because 11 is the speed of the boat in still water. 11 minus x, where x is the speed of the stream. यहाँ पे बोला है कि upstream और downstream का जो total time है that is 2 hours 45 minutes. Upstream का time क्या है, downstream का time क्या होगा, distance उतना ही है, time equal to distance by speed. तो downstream में speed कितना होगा, downstream में जो stream है वो या जो पानी है वो boat के साथ ही जाता है, तो दोनों का speed add हो जाएगा, मतलब कि boat का speed में stream का speed add हो जाएगा. This is the time taken to go upstream. This is the time taken to go downstream. When you add both the times, what do you get? That is, you get the total time. Total time to question में बोला that is 2 hours 45 minutes. 2 hours 45 minutes. तो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ किलोमीटर और आवर में हो रहा है, तो हम टाइम को पूरी तरह से आवर में कन्वर्ट कर देंगे. तो 2 hours plus 45 minutes, that is 45/60 hours. This is the equation. LCM लेकर के सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है.